बागपत में दिन दहाड़े पुलिस मुठभेड़, उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभी भी जारी है। जी हां, बागपत में बड़ौत कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने एक शातिर अपराधी किस्म के बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश सोनू जाट के पास से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया है। फिलहाल घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के गुराना रोड पर घर में घुसकर बीती रात सोनू जाट ने सोनू पंडित नाम के एक युवक को गोली मार दी थी और वह मौके से फरार हो गया। सोनू जाट एक शातिर अपराधी किस्म का बदमाश है, जिस पर कोतवाली में 7 मुकदमे पहले भी दर्ज हैं। बुधवार दोपहर बड़ौत कोतवाली पुलिस ने सूचना पर आरोपी बदमाश सोनू जाट को बावली रोड के अंडरपास पर घेर लिया और जैसे ही उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। दोनों ओर से काफी देर तक जमकर फायरिंग हुई, जिसमें जवाबी फायरिंग करते हुए बड़ौत कोतवाली पुलिस ने उसके पैर में गोली मार उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। बदमाश सोनू जाट के पास से पुलिस ने एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल व तमंचा भी बरामद किया है। वहीं घायल हुए बदमाश को पुलिस ने CHC बड़ौत में उपचार के लिए भर्ती कराया है। फिलहाल पकड़े गए बदमाश सोनू जाट के अन्य साथियों की भी तलाश में पुलिस जुट गई है। गुराना रोड पर एक गोली मार के गंभीर रूप से घायल किया गया था। उस संबंध में मुकदमा बड़ौत थाने में पंजीकृत हुआ था और पुलिस लगातार अभियुक्त गढ़ों की तलाश कर रही थी। आज दिन में 1:30 बजे करीब ही इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस को कि ये लोहड्डा बाईपास से बजरौल की तरफ से अभियुक्त अपने बिना नंबर की मोटरसाइकिल से आ रहा है। इस इन्फॉर्मेशन पर SO बड़ौत अपने में हवाई बल के अपनी फोर्स के साथ ये यहाँ से इन्होंने बावली की साइड वाली रोड से और घेराबंदी करी और इसके बगल के खेतों में ही यहाँ मुठभेड़ हुई, जिसमें जो कल की घटना का अभियुक्त सोनू था वो घायल हुआ है और उसमें उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस की तरफ से जो फायरिंग हुई है और बदमाश ने 2 फायर किए पुलिस के ऊपर और उसके पास से जो अवैध असलाह मिला है गोलियां।